नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ में। स्वागत करता हूँ सभी लोगों का। मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ नई जानकारी के साथ। सपने में पुलिस वाले क्यों दिखते हैं? आपकी भक्ति पर किसी तांत्रिक का बंधन लगा देना, किसी क्रिया का आपके ऊपर आना। याद रखना, संकेत शुभ और अशुभ है। पूर्ण रूप से गुरु सन्निधिता में आप उनको जान सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट sannynathshrma.blogspot.com पर विजिट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें अगर आप मेरे साथ फ्री में बात करना चाहते हो। अदर जो सर्विस पेड है वो पेड है, ऐसे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ने की जरूरत नहीं है। लाइव चैट में ही आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। 3 मिनट चैनल का गुरु में शिव गुरु श्रोच है, बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इंटरनेट के दिन में मेरे गुरुओं को चेला को गुरु ने किसी के जान से मत फंसा। सभी धर्मों का दस्तकर्मन करते हुए व्यक्ति को दायरे को ध्यान में रखते, मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। अन्यथा कोई भी मंत्र कोई भी क्रिया करनी है गुरु कृपा से करनी है, गुरु सानिध्य में करनी है। गुरु बिना गति नहीं है। नॉर्मल भक्ति के लिए आप किसी भी देवी देवता का वाहन कर सकते हो। तांत्रिक सिद्धियाँ, तांत्रिक के काट, तांत्रिक के प्रयोगों का पलटवार, ये सारी चीज़ें आपने नहीं करनी है। एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, लोगों को लगता है सपने में भक्ति करता बार बार मेरे को पुलिस वाले दिखते हैं। ये किन लोगों को सपने में दिखता है? जो नाथों की भक्ति करते हैं ज़्यादातर। और पुलिस वाले के रूप में सबसे ज़्यादा शक्ति कौन सी चलती है? सफेद और मूर्थल की शक्ति चलती है, सबल सिंह और केसर मल। उसके अलावा अगर आपको कोई दिखाई देता है तो वो देवी देवताओं को जोड़े में उनके गण होते हैं, अलग अलग प्रकार से, विभिन्न विभिन्न प्रकार से दिखा देगा। अगर तो आपके कुल देवता कुल देवी है फिर तो आपको दर्शन होना जायज़ है। अगर कोई पुलिस वाला आपका चालान काटता है, आपका रास्ता रोकता है, आपको आगे जाने नहीं दे रहा, आपके ऊपर बिना मतलब के फायर कर रहा है, आपके ऊपर FIR कर रहा है, आपको जेल में डाल रहा है, आपको पीट रहा है, तो ये सारी चीज़ें तांत्रिक के द्वारा आपके ऊपर प्रहार है। ये किसी प्रकार का आपके ऊपर बंधन लगाने की कोशिश करी जा रही है। अगर आप बार बार किसी रास्ते से गुजरने की कोशिश करते हो और आपको हर बार पुलिस वाले आगे मिलते हैं लेकिन वो निकलने ही नहीं देते हैं, या रिश्वत मांगते हैं, कुछ मांगते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि आपकी गद्दी बंद चुकी है, किसी ने बंधन लगाया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि बंधन सबल सिंह केसरमल का हो, कई प्रकार के गण हैं जो खाकी वाणी में चलते हैं। ये पीरों के नीचे भी चलते हैं, वालियों के नीचे भी चलते हैं, देवताओं के नीचे भी चलते हैं। समझने के लिए गुरु ज्ञान और गुरु कृपा होना जरूरी है। तो ये एक अशुभ संकेत है। अगर आप इनकी सेवा करते हो, आपको इनके दर्शन होते हैं, वो अलग बात है। किसी के कुल देवता सबल सिंह या दादा केसरमल बाबरी निकलते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको ऐसे ही बार बार दिखते हैं, आप इनकी भक्ति नहीं करते, भक्ति आप किसी और देवी देवता का आह्वान कर रहे हो, लेकिन बार बार ये पुलिस वाले आके आपका काम खराब करते हैं, आपका चालान काट देते हैं, पर्चा काट देते हैं, फालतू में ही आपको रास्ते पर रोक कर ये परेशान कर रहे हैं, तो याद रखना किसी के द्वारा आपके ऊपर पैरा छोड़ा गया है जो आपका काम बिगाड़ने के लिए लगा हो। तो जल्दी समय रहते किसी योग्य पुरुष से उस चीज़ को कटवा लें, उसका उत्तर पा लें। ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पर पढ़ लेना, इनके उपाय भी वहाँ पर बताए हुए हैं। बाकी लाइव चैट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक करा। बाकी की सर्विस पेड आदेश।